देर से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ, ठीक है। हाँ आ जाओ, चले। हाँ हाँ, इतनी देर क्यों कर दी? अरे मेरे रूम में कल रात से पानी लीक हो रहा है, उसको साफ करते करते मेरी बैंड बज गई, पूछो ही मत। ठीक है आ जाओ, चलो। We'll be right back.
बहुत बचने की कोशिश किया। अरे मार रही है, जल्दी से आइए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू किया जाए। योर ऑनर, ये मासूम देखने वाला जो आदमी इधर खड़ा है वो दिन दहाड़े एक आदमी का खून कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अभी तक इसका गुनाह प्रमाणित नहीं हुआ है और बिना सबूत के किसी को भी कातिल कहना उचित नहीं होगा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर विश्वास, आपके पास कोई सबूत है जिसे आप साबित कर सकते हैं मिस्टर सुमिति कातिल है? मैं बिना सबूत कोई केस नहीं लेता हूं जज साहब। मेरा पहला गवाह है मिस्टर विष्णु, जो उस दिन वो कातिल होते हुए देखा है। मैं मिस्टर विष्णु को इस काठघर में बुलाने के लिए इजाजत चाहता हूँ जज साहब। इजाजत है। हाँ जज साहब, उस दिन मैं साइकिल से जा रहा था, फिर देखा कि उस आदमी ने मेरे पास और एक चश्मदीद गवाह है, इसलिए मैं गिरीश जी को यहाँ पे बुलाने का इजाजत चाहता हूँ। हाँ तो गिरीश जी, अब बताइए आप उस दिन क्या देखा था? उस दिन मैं उस जगह पर चाय बेच रहा था और फिर मैंने देखा। प्रमाणित होता है कि मिस्टर सुमित ने ही वो कातिल किया है और चाकू में उसका उंगली का निशान भी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आपके मेज पे रखा हुआ है। मिस्टर सुमित, आपको कुछ कहना है? हाँ जज साहब, मैं पहले भी बोल चुका हूँ मैंने कोई कत्ल नहीं किया। वो तो उस दिन मैं और मेघना लंच के लिए जा रहे थे, तभी देखा कि दो आदमी मिलकर एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। मैं तो उन लोगों को बचाने गया, अचानक से मेरे ऊपर भी हमला हो गया। मिस्टर सिवन, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? बहुत कुछ कहना चाहता हूं जज साहब, लेकिन इस वक्त नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट गवाह जो कि मेघना है, वो अभी तक नहीं मिली और जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। और इसलिए मैं अदालत से निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ दिन का वक्त दिया जाए ताकि मैं इस केस से जुड़े सारे पन्नों को खोल सकूं और तब तक शायद मेघना भी मिल जाए। ठीक है, आपको मैं 3 दिन का समय देता हूँ और पुलिस को आदेश देता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मेघना को पता लगाए और उसे कोर्ट में पेश करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। कोर्ट की कार्रवाई शुरू किया जाए। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज जो बोलेगा शिवन जी बोलेगा। क्या शिवन जी, कुछ प्रमाण मिला कि नहीं? इतनी भी क्या जल्दी है जज साहब, मैं तो ये सोच रहा था कि ये केस शुरू कहां से करूं। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि मर्डर किसी ने किया, क्यों किया, लेकिन असल में उस दिन कोई मर्डर हुआ ही नहीं था। मेघना नाम की जिस लड़की का जिक्र सुमित कर रहे हैं उसकी तो 10 साल पहले ही मौत हो चुकी है। तो उस दिन सुमित के बाइक के पीछे भूत था क्या? आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं विश्वास साहब। मैंने कब कहा कि उस दिन मेघना का भूत था जज साहब? दरअसल उस दिन सुमित की बाइक के पीछे कोई नहीं था और उस दिन कोई मर्डर हुआ ही नहीं। मैं आपको बताता हूं उस दिन असल में हुआ क्या था। Thank you.
मिस्टर सुमित इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड सिज़ोफ्रेनिया। जज साहब, एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को रियल और इमेजिनेशन में अंतर नहीं होता। योर ऑनर, उस दिन जब मेरे क्लाइंट मिस्टर सुमित अपने घर से भाग गए थे, तो इस बात की जानकारी मिस्टर सुमित के पिताजी के जो मैनेजर हैं उन्होंने डॉक्टर अग्रवाल को फ़ोन करके बताया था, और चूंकि डॉक्टर अग्रवाल उनके फैमिली डॉक्टर हैं तो उनको पता है। डॉक्टर अग्रवाल, सुमित फिर से भाग गया और उसके साथ महंगा भी वापस आ गए होंगे। डॉक्टर अग्रवाल की रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी है राणा, और उसमें लिखा है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर सुमित ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, और जब उस दिन कोई मर्डर हुआ ही नहीं तो कोई केस नहीं बनता। इसलिए मैं कोर्ट से आग्रह करूंगा कि मेरे क्लाइंट मिस्टर सुमित को बाइज्जत रिहा किया जाए। तो फिर इतने सारे गवाह, उसका क्या? इसके पीछे है कौन? इसके पीछे इनके भाई मिस्टर अमित त्रिवेदी हैं। जैसा उस दिन जब सुमित पुलिस को बोल रहा था, तब मिस्टर अमित वहां से अपनी कार में जा रहे थे, और उसी दिन उन्होंने ये प्लान बनाया। दोनों को पैसे देकर झूठा गवाह बनाया, झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की। क्योंकि उनके पिताजी की 100 करोड़ की जायदाद है। मिस्टर अमित को लगा कि मिस्टर सुमित धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, तो अगर किसी तरह से मिस्टर सुमित को, मतलब मेरे क्लाइंट को, जेल हो जाए तो पूरी जायदाद उनकी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। सब कुछ सुनने के बाद और कोई सबूत ना मिलने पर ये अदालत मिस्टर सुमित को रिहा करता है, और साथ ही साथ पुलिस को आदेश देता है कि मिस्टर अमित को गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। द केस इज क्लोज। मिस्टर सुमित, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपकी हालत खराब होती जा रही है। हाँ सिरन जी, मैं भी यही सोच रहा था। उस दिन एक्चुअली क्या हुआ, मैं मिस्टर अग्रवाल के पास जा रहा था, जो कि मेरे फैमिली डॉक्टर है, आपको तो पता ही है। तो अचानक से मेरे दिमाग में क्या हो गया, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी समझ नहीं।
अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। थैंक यू।